हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ प्रियांशु दुबे जी जुड़ गए हैं। हाय। और आज का कुछ सीन ऐसा है कि हम लोग के आजमगढ़ में हो रहा है आजमगढ़ महोत्सव है। अरे शांत जाओ भाई। सही तेज है। आजमगढ़ महोत्सव हो रहा है जिसका प्रोग्राम और आयोजन प्रियांशु दुबे के घर के बगल में हो रहा है। तो इन्होंने हमको इन्वाइट किया था, हमको कोई नॉलेज नहीं था, तो मैं आया हूँ आज आजमगढ़ महोत्सव देखने के लिए। कौन कौन आ रहा है महोत्सव में? मैथिली ठाकुर आ रही, जिसको बस मैं जानता हूँ। उसके अलावा किसी लोग पीयूष मिश्रा भी आ रहे थे। ये बता रहे पीयूष मिश्रा कोई आदमी है क्या है? अरे यार, अच्छा गैंग साहब वासेपुर में एक्टर है, सिंगर है क्या? उसी की वाइस एक्टर भी है। अच्छा एक्टर जो भी है वो भी आ रहे हैं। क्या करते हैं? तो ये प्रोग्राम कितने दिन चलने वाला है? 24 तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। अभी मैं बैकग्राउंड पीछे का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, बट कोई नहीं, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ क्या क्या सीन है। अभी मैथिली ठाकुर आएगी, उससे मिलवाऊंगा। सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, बच्चा हो या कोई बड़ा हो, हर कोई उनके गानों से वाकिफ है। गायन विभाग में शीर्षस्थ कलाकार है, जिनके गायन में संगीत, भक्ति और ध्यान का एक अनोखा संगम दिखता है। माँ सरस्वती से उनको आशीर्वाद मिला है, सोशल मीडिया से बहुत पहचान मिली है। उनका अगर आप यूट्यूब चेक करेंगे तो वो हमसे आए दिन रूबरू होती रहती है, डेली उनके ब्लॉग्स आते हैं। एक ऐसी कलाकार जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आप सभी जान चुके होंगे मैं कितनी बात कर रही हूँ। मैथिली ठाकुर जी आज हमारे बीच तो भाई अभी भाई बस कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और तैयार रहिए, आप लोग बने रहिए। आप लोगों को दिखाता हूँ मैथिली ठाकुर के बहुत बढ़िया बढ़िया गाने जो कि हम लोग सुनते हैं, उनके ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं। तो आज आपको अपने ब्लॉग में मैं उनको दिखाऊंगा। तो बस मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ प्रियांशु दुबे जुड़े हैं और हम लोग बस वेट कर रहे हैं उनका, किसी भी तरह जल्दी से आएँ। बहुत देरी से बिना खाए पिए बैठे हैं, पानी कर रहे हैं। अच्छा अभी जानते हैं यहाँ तक क्या हुआ, तीन लोग आ रहे थे, छोटे छोटे थे। अगर देखो आ रहे हैं तीनों भाई बहन आगे का। अच्छा नहीं आए, अरे यार छोटे छोटे नहीं, बड़ा उसका बड़ा भाई जो है बड़ा हो गया है अब, वो छोटे नहीं रहे, ऐसे तीन साल पहले छोटे थे। अरे यार अभी छोटे ही लग रहे। तो बस मतलब अभी तीन लोग दिखे हैं तो इसको लगा कि वही सब हैं जो मैथिली ठाकुर, बाकी दो उसके दो भाई हैं, बाकी हम लोग वेट कर रहे हैं। कौन आ गया भाई? मुख्य अतिथि आ गए हैं, मंत्री हैं। कौन? सूर्य प्रताप शाही। तो सूर्य प्रताप शाही जी आ रहे हैं, तो चलिए उनका हम लोग आगमन करते हैं तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सूर्य प्रताप आगमन। हर्षल कार्यक्रम समिति महोदय जी के कदमों से होगा कि प्रज्वल के माध्यम से माँ सरस्वती मंत्री जी आ गए, कोई भी आए तो यहाँ पर मंत्री जी आ गए हैं, जोरदार तालियों के स्वागत। और हमारे बीच में अरे पैसा ना, कैसा टेस्ट है? Thank you.
खाली गाइज मैथिली ठाकुर का एक जबरदस्त एक बढ़िया एक फंटास्टिक परफॉर्मेंस देखने के बाद भाई साहब खा रहे हैं चाट और मैं पी रहा हूँ स्टिंग क्योंकि मुझे हो गया है मुंह में छाला है पता नहीं साला कौन सी बीमारी है हो जाता है जल्दी सही होता है चेहरे से दिख रहा है मतलब कि स्माइल नहीं आ रहा है चेहरे पे बट फिर भी मैं कोशिश आई विल ट्राई माई बेस्ट प्लीज ओहो। बाकी एक चीज़ और बताता हूँ क्या गजब की परफॉर्मेंस है कैसा लगा इसका शो बहुत बढ़िया मजा आया इसने मुझे इनवाइट किया था मतलब इसने मुझे बताया था कि ये आज ऐसा सब शो होने वाला मुझे कुछ नॉलेज नहीं था कि आजमगढ़ में कोई शो होने वाला बट इसने बोला था इसलिए मैं अपना टिकट कैंसिल करा दिया था मैं जाने वाला था पहले बट इस शो की वजह से नहीं गया और आज मिल के अच्छा लगा काफ़ी मज़ा आया और शो देखने मज़ा आया चार पैसा बनाया यहाँ पर रेस्टोरेंट भी लगा है मतलब हर जगह मिठाई से लगा पानी पूरी फुल्की फुल्की नहीं मिल रहा बाकी हर जगह खाने पीने का रेस्टोरेंट में चाउमीन बहुत बर्गर चाट बहुत अच्छी लग रही है और बड़े बड़े आज के रेस्टोरेंट वाले हैं सब अपना यहाँ पर दुकान खोले हैं और उसका पैसा बढ़ा दिए हैं गाइस एक सीन और है यहाँ पर लकी ड्रा कूपन के अनाउंसमेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लकी ड्रा हर दिन पर डे निकल रहा है तो अगर आप लोग आते हैं तो अपना एक किस्मत आजमा सकते हो क्या पता कुछ निकल जाए बहुत बड़ा बड़ा गिफ्ट है बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट है बट मैं तो आजमाया नहीं क्योंकि मुझे होता मेरा किस्मत बहुत बेकार चल रहा है इस टाइम इसे मैं कहा छोड़ो गाइस देख सकते हैं कि आजमगढ़ मौसल लकी ड्रा कूपन सेकंड में अच्छा मतलब कि एक थार है अगर सेकंड प्राइस आएगा दो बुलेट मिलेगी जी यार और स्कूटी कितना है अरे उनको बुलाएंगे तीन स्कूटी सबसे अच्छा इसमें क्या लगा है जो मैथिली ठाकुर गाना गाई है सबसे अच्छा गाना उसका कौन सा लगा था सबसे अच्छा गाना अरे मेरा फेवरेट गाना तो गाई नहीं कौन सा तुम्हारा फेवरेट कौन सा गाना था राम को देख कर श्री जनक नंदनी आय हाय हाय चलो मैं जा खड़ी की खड़ी रह गई तो मैं मैथिली ठाकुर को टैग करूंगा कि ये वाला गाना राम को देख के जनक नंदनी वाला गाना अब एक बार फिर से गाओ लाइव और प्रियांशु को मैं एक सीन बता दे रहा हूँ प्रियांशु उसको इंस्टाग्राम से लगा फेसबुक हर जगह फॉलो करके रखा था जब मतलब ये मैथिली ठाकुर आजमगढ़ में आने वाली थी इस वजह से ताकि वह अपडेट मिलता रहे आज तक उसके बाद अब अनफॉलो हो जाएंगी मुझे ये दोपहर में वीडियो भेजा कि मैथिली ठाकुर आ गई हैं होटल में पहुंच गई हैं खाना खा ली हैं सब कुछ अपडेट दे रहा था हमको बहुत बड़ा फैन था बट एक दिन के लिए तो बहुत अच्छा अच्छा गाना है बहुत प्यारा प्यारा गाना सुनाई है जो कि मैं उसका अक्सर सुनता रहता हूँ बट आज तो सामने सामने देख कर अच्छा लगा आर्टिस्ट है और बीच में राजू तलवार जी मिल गए थे वो तो आजमगढ़ महोत्सव को बंद करने के चक्कर में थे अपना पोस्टर उस्टर लेकर आ गए थे और हमसे बोला कि एक रील बना दो मेरा मेरे मोबाइल से रील भी बनवाया है उसके बाद मुझे अपना नंबर दिया कहा कि मुझे व्हाट्सअप कर देना है उनकी मांग जायज थी लेकिन ये जो मंच है सही नहीं था यहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ों का वो नहीं था उनको लगा कि कुछ होने वाला लेकिन कुछ होता नहीं मुझे डर था ना गाली देना फिर स्टार्ट कर दे सबके सामने यहाँ डीएम सीएम सब आए हैं हालांकि सब जानते हैं इसके बारे में बट कोई नहीं आजमगढ़ मौसम आके बहुत अच्छा लगा और इसी तरह मैं वीडियो देता रहूँगा आप सभी को अभी आगे भी अगर रुकता हूँ तो फिर आऊँगा कल भी आ सकता हूँ अगर रुकूँगा तो अदरवाइज मैं जाने वाला हूँ दिल्ली बाकी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो बाय बाय।